हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। एकता कपूर की हिट सुपर नेचुरल फ्रेंचाइजी नागिन के चौथे सीजन को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। नागिन 4 को सुपर हिट बनाने के लिए मेकर्स ने इस बार कई शॉकिंग ट्विस्ट किए। शो में अनिता हसनंदानी की री एंट्री के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शो में जल्द ही मौनी रॉय यानी शिवान्या भी नागिन 4 में नजर आ सकती है। मौनी पहले और दूसरे सीजन में नागिन बनी थी। कुछ दिनों पहले ही शो में अनिता हसनंदानी यानी कि विशाखा ने नागिन बनकर वापसी की। खबरें हैं कि मौनी भी जल्द शिवान्या बनकर शो में दिखेंगी। शो में विशाखा वृंदा के खिलाफ चालें चल रही हैं। ऐसे में वृंदा की मदद करने के लिए जल्द शिवान्या यानी कि मौनी रॉय एंट्री करेंगी। वृंदा और शिवान्या मिलकर विशाखा का मुकाबला करेंगे। जहां एक तरफ मौनी रॉय की एंट्री पर चर्चा हो रही है, वहीं हाल ही में हमने आपको बताया था कि शो में जल्द ही सुरभि ज्योति यानी कि बेला की भी शानदार एंट्री होने वाली है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक मौनी रॉय और सुरभि की री एंट्री को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक साथ तीन नागिनों को देखना फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं होगा। निया, मौनी और सुरभि तीनों ही नागिन किस तरह विशाखा का खेल खत्म करेंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे भी नागिन 4 टीआरपी चार्ट में बेहतरीन चल रहा है। शो की कहानी में नयापन लोगों को पसंद भी आ रहा है। बात करें करंट ट्रैक की तो आने वाले एपिसोड में निया शर्मा यानी कि वृंदा को अनिता यानी कि विशाखा की सच्चाई पता चल जाएगी, जिसके बाद विशाखा देव की जान लेने की कोशिश करेगी, लेकिन वृंदा देव को विशाखा से बचा लेगी। वहीं अब विशाखा देव और वृंदा को अलग करने के लिए कोई नया दांव चलेगी। खैर, आने वाले दिनों में विशाखा क्या करेगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे आप मौनी रॉय को शो में दोबारा देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक अभी तक ना मैंने नयनतारा के साथ शूट किया, ना मैंने देव के साथ शूट किया, एंड शांतनी आई मस्ट से शी इज लुकिंग द हॉटेस्ट इन द हाय, मैं हूँ देव, देव पारेख, बहुत पैसे वाला हूँ, दूंगा धीरे धीरे जैसे शो बढ़ेगा सब। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल बट ही इज नॉट बोरिंग, फन लविंग है और बहुत सालों तक इंडिया से दूर रहा है और मुंबई वापस आ रहा है बिकॉज ही लव्स हिज दादी, उसकी बर्थडे पे आ रहा है और देन ही इज गोना बी हियर। और उसके बाद में स्टोरी कैसे आगे चलती है, इनका रिवेंज कैसे पूरा होता है, अच्छा देखते हैं। हाँ, वो देखना पड़ेगा 14 दिसंबर से। हाँ, सैटरडे संडे। वेल, मेरे किरदार का नाम है मान्यता और शो की शुरुआत जैसे इन लोगों ने बोला कि मान्यता की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, जो हमारा टैगलाइन है भाग्य का जहरीला खेल, तो भाग्य जो है मान्यता और केशव जो उनके पति हैं उनकी ज़िंदगी के साथ एक जहरीला खेल खेल जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जिंदगी में ज़िंदगी जो है क्या रुख लेती है और जो रिवेंज स्टोरी है मान्यता उसकी बेटी, हम मिलके जो है इस पारिक परिवार से जो अपना बदला है हम वो पूरा करने वाले हैं। बाकी तो विस्तार में हम कुछ बोल नहीं सकते, आप लोगों को 14 दिसंबर से देखना ही पड़ेगा नागिन। ओके, इसी के साथ में अगर बात करिए अगर नागिन की, तो नागिन इज़ ऑलरेडी ब्रांड, मतलब जो ऑलरेडी जितने भी शो हुए हैं सारे के सारे सब हिट हुए, लोग जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो कितना प्रेशर आप सबके ऊपर है नागिन को लेकर इस सीज़न को लेकर? मैं ऑनेस्टली बोलूँ प्रेशर नहीं है, आई थिंक हम ना एक एक बने बनाए प्लेटर हमें दे दिया गया है, हां बट एक्चुअली एंड देयर वी गो, यू नो जिसने भी बोला व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आई थिंक आई सेड नागिन वाज बिग इनफ फॉर देम टू नो दैट ओ नागिन यू डूइंग, सो इट इज फेचिंग सो मच अटेंशन। एंड प्रेशर ये नहीं है कि विल शो को हमसे प्रेशर, आई थिंक मुझे पर्सनली है टू प्ले नयनतारा परफेक्टली, क्योंकि मैंने बहुत ही अलग तरीके के कैरेक्टर्स करे हैं, मैं एक्चुअली बहुत ही अलग हूँ, तो मेरे लिए बॉडी लैंग्वेज बात करना एवरीथिंग हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग, सो मुझ पे सिर्फ वो प्रेशर है। मैं भी बहुत अलग हूँ, मेरे लिए भी अप्ले करना बहुत चैलेंजिंग। आई थिंक रादर देन प्रेशर आई थिंक वी विल टेक इट एज अ मोटिवेशन फैक्टर, क्योंकि अगर हम प्रेशर लेंगे इट्स गोइंग रियली बॉग अस डाउन, बट व्हाट आई थिंक आई कैन इफ आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, वो ये है कि क्योंकि इतना बड़ा शो है सो ऑब्वियसली हमको यहाँ से आगे ही जाना है, पीछे तो हटना है ही नहीं, तो हम इसको रैदर एज अ यू नो मोटिवेशनल फैक्टर एज अ चैलेंज मानते हुए जा रहे हैं। एंड जो ये हिट फ्रेंचाइजी है इसको और मतलब ये जो हिट इसका सफर रहा है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। निया और जास्मिन, आप दोनों से जानना चाहूँगा, आप लोग बिग बॉस में गए थे शो को प्रमोट करने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा सलमान सर के साथ? ये बहुत शॉर्ट रह गया, आई थिंक हमारा प्रमोशनल एक्टिविटी जो था वो आई थिंक लास्टेड 10 मिनट्स,
इट वॉज फन, वेरी एंटरटेनिंग. ही वॉज वेरी स्वीट एंड वेरी जेनरस. उन्होंने बहुत अच्छे से शो को हम सबको इंट्रोड्यूस किया एंड द सेगमेंट वेंट रियली वेल. कल जो है ब्लॉकबस्टर नाइट था, लोगों ने देखा ब्लॉकबस्टर नाइट. क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं उसको लेकर, अगर आप लोग बताएं उस बारे में? हम खुद ही खुश हो जाते हैं. हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं, बट इट्स रियली स्पेशल बिकॉज दिस इज द फोर्थ सीजन. फर्स्ट टाइम नागिन के लिए एक पूरा इवेंट हुआ 3 आवर्स का, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. सो वी वेरी थैंकफुल टू कलर्स एंड द होल शो वॉज वेरी वेल. I was in Dubai yesterday. मैं आज सुबह ही आई हूँ, तो वहाँ पर भी लोग very honestly. And your performance was amazing. So look, हम एक हाथ admiration का हाथ like बना के बैठे हैं. Honestly, वहाँ पर भी you know people are really awaiting the show. And बहुत ही ज़्यादा buzz create हुआ है. So I think hats off to team, to Balaji, to Colors for you know just making Nagin the way it is. Please ask Vijendra something. Right. तो नहीं Vijendra, जो है इतनी सारी लड़कियां हैं, आप अकेले हैं उसमें, कैसा ऑन सेट कैसा माहौल रहता था, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. बहुत अच्छा, मतलब मेरा रीज़न ही ये है कि बट ऑनेस्टली यार ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड. एंड जो आप पूछ रहे थे कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं और क्या फीडबैक आ रहा है, तो सबका आ रहा है कि एवरीबॉडी इज़ लुकिंग वेरी नाइस. कल जो डांस हुआ था उसके ऊपर भी बहुत हॉट 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 ऐसे कमेंट्स आए हैं. तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम होपफुल कि हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं. वी आर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो. तीनों के बारे में अगर एक एक चीज़ अगर आपको बतानी हो तो वो क्या होगी, मतलब उनकी मतलब यूएसपी. सॉरी हमने इतना ज्यादा शूट नहीं किया. जितना मैं मिला हूँ, जितना दे आर वेरी वार्म, दे आर वेरी नाइस. हाँ मतलब वैसे मिले हुए सब लोग, शी इज वेरी स्वीट क्यूट है, जो दिल में होती है बातें बोल देती है. तो इट्स इजी टू वर्क विद निया आल्सो. पहले एक आधा सीन हमने किया हुआ है कुछ और जगह पर, बट यहाँ पर भी मेन यही है कि बहुत इजीली हम लोग साथ में काम करना शुरू किया, तो बहुत इजीली हमने इज एन इंटेलिजेंट मैन, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा. इसको काम करना है बुरा, जब मैं इन्हें जानूंगा तब मुझे पता चलेगा कि क्या है बुरा. देन आई विल टेल यू, देन कम टू मी वन ऑन वन. और इनसे तो आज मैं पहली बार मिला एंड बहुत स्वीट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, हॉट लग रही हैं. मेरे पास इनके लिए बोलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही हैं इस वक्त, लेकिन बाद में देखते हैं कि राज खुलेगा. कूल, बहुत अच्छा आंसर दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाँ विजुअल कर ये भाई, आप कमरा नीचे कर ले रही सदा पीछे कर रही ना. थिंक अभी तक ना मैंने नयनतारा के साथ शूट किया, ना मैंने देव के साथ शूट किया. एंड शांतनी आई मस्ट से शी इज लुकिंग द हॉटेस्ट इन डैम डूड, व्हेन शी सेट स्टैंडर्ड्स फॉर हर अस गर्ल्स. थैंक यू सो मच. हाय, मैं हूँ देव, देव पारेख. बहुत पैसे वाला हूँ, दूंगा धीरे धीरे जैसे शो बढ़ेगा सब. एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल बट ही इज नॉट बोरिंग. फन लविंग है और बहुत सालों तक इंडिया से दूर रहा है और मुंबई वापस आ रहा है बिकॉज ही लव्स हिज दादी. उसकी बर्थडे पे आ रहा है और देन ही इज़ गोइंग टू बी हियर. और उसके बाद में स्टोरी कैसे आगे चलती है, इनका रिवेंज कैसे पूरा होता है, अच्छा देखते हैं. हाँ, वो देखना पड़ेगा 14 दिसंबर से. हाँ, सैटरडे संडे. वेल, मेरे किरदार का नाम है मान्यता. और शो की शुरुआत जैसे इन लोगों ने बोला कि मान्यता की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, जो हमारा टैगलाइन है भाग्य का जहरीला खेल. तो भाग्य जो है मान्यता और केशव जो उनके पति हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ एक जहरीला खेल खेल जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ज़िंदगी में ज़िंदगी जो है क्या रुख लेती है, और जो रिवेंज स्टोरी है मान्यता उसकी बेटी, हम मिलके जो है इस पारिक परिवार से जो अपना बदला है हम वो पूरा करने वाले हैं. बाकी तो विस्तार में हम कुछ बोल नहीं सकते, आप लोगों को 14 दिसंबर से देखना ही पड़ेगा नागिन.
ओके इसी के साथ में अगर बात करिए अगर नागिन की तो नागिन इज ऑलरेडी ब्रांड मतलब जो ऑलरेडी जितने भी शो हुए हैं सारे के सारे सब हिट हुए लोग जनता को बहुत ज्यादा पसंद आया तो कितना प्रेशर आप सबके ऊपर है नागिन को लेकर इस सीजन को मैं ऑनेस्टली बोलूं प्रेशर नहीं है आई थिंक हम ना एक एक बने बनाए प्लेटर हमें दे दिया गया है एंड वी हैव बीन सर्व एक्चुअली प्रेशर एंड व्हेनेवर वी गो यू नो जिसने भी बोला व्हाट आर यू डूइंग दिस आई थिंक आई सेड